जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, जय आर्ट क्लासेज में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मुगल चित्रकला से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ। और ये जो प्रश्न हैं, कला से संबंधित एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, और कला से संबंधित जो भी अभी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम इस पहले वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? तो ये अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें कौन असंबद्ध है, इनमें कौन अलग है? तो यहाँ पे जो मंसूर, मनोहर और मिस्किन, ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार हैं, लेकिन विहजात जो है ये बाबर के समय आया था। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो व्यक्ति चित्रण विशेष स्थान किसके समय मिला था? ये तो ये जहांगीर के समय। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ईरानी शैली की एक विशेषता है, ईरानी शैली की विशेषता क्या है? रेखाएं। राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया था? तो ये अबुल हसन के द्वारा बनाया गया था। तो राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? तो ये किसने बनाया था बाज पक्षी का चित्र? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाया गया। राइट आंसर ये बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अबुल हसन के पिता का नाम था, तो अबुल हसन के पिता का क्या नाम था? अकारिजा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, विशन दास निपुण थे, तो बिशन दास जो हैं ये अकबर के समय के चित्रकार हैं, और ये छवि चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे, पोर्ट्रेट सभी उसी को बोलते हैं, तो ये छवि चित्र के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 9, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है, तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद क्या है? यहां अपार दानिश लिखा हुआ है, ये अयार दानिश है, ये जो है अयार दानिश है, अयार ए दानिश ये है। तो राइट आंसर यहां पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था, तो अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन था? अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार यहां पे पूछा जा रहा है। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार जो था यहां पे मनोहर गोवर्धन अबुल हसन दिया हुआ है। तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है विहजात। क्वेश्चन नंबर 11, मुगल चित्रकला दो शैलियों के मिश्रण से बनी थी, तो वो भारतीय थी और पर्शियन शैली के मिश्रण से मुगल शैली का जन्म हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 12, दास्ताने अमीर हमजा नामक मुगल पोथी इनके समय में बनी, तो ये किसके समय बनी थी? अकबर के समय। ये जो है इसको शुरू हुमायूं ने करवाया था, लेकिन ये पूर्ण अकबर के समय हुई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था? तो किसका था ये? अकबर के समय, बसावन और दशवंत अकबर के समय के हिंदू चित्रकार थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, रजमनामा ग्रंथ क्या है? तो रजमनामा ग्रंथ जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद है रजमनामा, और ये किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये किसके लिए? पशु पक्षी चित्र बनाने के लिए मंसूर प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? कंपनी शैली। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय की है? तो ये किसके समय है? जहांगीर के समय की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? तो ये जहांगीर के काल में बने हैं। राइट आंसर सी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 19, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? तो कौन था ये? अकबर। इन्होंने ही दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो राइट आंसर यहां पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो ये जहांगीर के समय बने हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? तो शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? मुगल शैली। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हमजनामा के चित्र किसके समय में बने? तो ये किसके समय बने थे? अकबर के समय। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला था? तो ये अकबर के समय मिला था। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 24, अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? तो अकबर कालीन चित्रों की विशेषता थी ये दरबारी चित्र। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 25, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? तो इसमें बसावन जो है ये अकबर के समय का चित्रकार है, मुगल चित्रकार। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? अबुल हसन जो है ये जहांगीर के समय का चित्रकार है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली का लाल किला बनवाया गया था किसके पुत्र द्वारा? तो यहाँ पूछा जा रहा है किसके पुत्र के द्वारा बनवाया गया था, तो ये जहांगीर का बेटा कौन है? शाहजहां द्वारा ये बनवाया गया था। और यही पूछा जा रहा है लाल किला जो है शाहजहां ने बनवाया तो किसके पुत्र द्वारा, तो मतलब पिता का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे, जहांगीर। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? तो कुतुब मीनार जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? क्वेश्चन नंबर 29, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हुमायूं का मकबरा अकबर के द्वारा बनवाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30,
मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर था। तो जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? उस्ताद मंसूर, जो पशु पक्षी चित्र बनाने के लिए जाना जाता था। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 31, किस मिनिएचर पेंटिंग में बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? किसमें किया गया है? ये मुगल काल में, जिसको हम हाशिया बोलते थे। ये चित्र बनाए जाते थे और चित्र के साइड में बेल बूटों से सजावट, डिजाइन से सजावट की जाती थी, इसको हाशिया बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 32, मुगल चित्रकला में स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? तो ये शाहजहां के समय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर। ये बाबर की आत्मकथा है, जिसको तुजुक ए बाबरी बोलते हैं, और बाबर ने इसको खुद लिखा है। क्वेश्चन नंबर 34, अलाई मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, किस मुगल शासक के शासनकाल में रामचरित मानस की रचना हुई थी? तो किसके समय हुई थी? ये अकबर के समय। और रामचरित मानस के लेखक कौन है? तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 36, अकबर कालीन चित्रकारों में सर्वाधिक संख्या थी, तो किसकी थी? हिंदू चित्रकारों की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, ईरान के राजाओं को किस सचित्र मुगल पोथियों में अंकित किया गया है? किसमें किया गया है? शाहनामा में। राइट आंसर डी हो जाएगा। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। जरूर याद रखिए, अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल सम्राट ने महान संगीतक हरिदास से भेंट की थी? ये किसने की थी? अकबर ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? तो ये किसके द्वारा पूरा किया गया, यहां पूछा जाए किसके द्वारा पूरा किया गया, तो यहां पे जो राइट आंसर है वो है बी, इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया था। कुतुब मीनार किसने शुरू करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन अगर पूरा होने की बात आएगी तो इल्तुतमिश यहां पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का रैफेल की संज्ञा दी जाती है? तो किसको दी जाती है? विहजात। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, प्रकृत चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? तो ये प्रकृति चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? तो ये किसके समय में था? शाहजहां। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो किसके समय दिखाई देता है? जहांगीर के समय। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 43, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला था? तो विशेष स्थान किसके समय में ये मिला था? मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? तो ये अकबर के समय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा भवन अष्टभुजाकार है? कौन सा है अष्टभुजाकार? तो शेर शाह सूरी का मकबरा, जो कि सासाराम में है, ये है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, मुगल काल का स्वर्ण युग था, तो मुगल काल का स्वर्ण युग शाहजहां का समय। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अकबर ने किस राज्य पर अपनी विजय के स्मारक के रूप में बुलंद दरवाजा बनवाया था? तो गुजरात। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण
मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? तो किसके राज्यकाल में हुआ था? अकबर के। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किसका समय कहा जाता है? जहांगीर का। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 49, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था? तो कौन समझता था? ये जहांगीर। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 50, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी किस संग्रहालय में है? तो ये किस संग्रहालय में? भारत कला भवन वाराणसी में ये संग्रहित। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 51, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार जो है वो ईरान का रहने वाला था, जो कि ख्वाजा अब्दुल समद और मीर सैयद अली हुमायूं के समय के चित्रकार, और ये ईरान से आए थे। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 52, जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, तो मंसूर का प्रसिद्ध चित्र कौन है? बाज। राइट आंसर ए। तो दोस्तों, इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप